ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, किसी प्रॉब्लम के कारण वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा आप सबको अपने जो प्लांट्स हैं उनसे मिलवा दूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है जो चल रहा है, तो उससे आप ये प्लांट्स की हैप्पीनेस देख सकते हैं। जो प्लांट्स हैं इनके कलर्स, इनकी लीव्स का जो शेप और ग्रोथ देखिए, आप फील कर सकते हैं इनकी हैप्पीनेस। सब प्लांट्स की हैप्पीनेस आप फील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ये प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। इस मौसम में प्लांट्स को जो है ह्यूमिडिटी और जो वेदर है थोड़ा सा वार्म होता है, ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा होता है, तो इसमें जो प्लांट्स हैं वो हैप्पी रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने जिस प्लांट से मिलवा रही हूँ वो है ये ब्यूटीफुल सा फिडल लीफ। इसको फाइकस लायरेटा के नाम से भी जाना जाता है, बट जो मोस्टली लोग इसको फिडल लीफ के नाम से जानते हैं। ये जो प्लांट है ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, और इसको वार्म एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो इस प्लांट को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता है वहाँ पे ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जैसे साउथ इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। वहाँ पे ये जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो जैसे बाकी एरिया है जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम हो जाता है, ड्राई हो रहता है, वहाँ पे इस प्लांट को दिक्कत आती है। बट अगर हम इसकी सही से इसकी जो केयर करेंगे तो ये प्लांट हर जगह अच्छे से ग्रो करता है। आप मेरा प्लांट देख सकते हैं, इसकी जो हाइट है बहुत 3 फीट होगी, 3 फीट है। और इसकी जो आप लीव्स देखिए कितनी प्यारी लीव्स हैं, पूरा बंच है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं ये नीचे से 3 ब्रांचेस हैं इसकी, और बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो आज मैं आपसे इसी प्लांट की जो कुछ केयर टिप्स हैं वो शेयर करूंगी। ये जो प्लांट है ये आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हो। चाहे इसकी सोइल की, तो सोइल फ्रेंड्स इसको वेल ड्रेन पसंद है। इसकी सोइल जब भी आपने बनानी है तो इसमें आपको 50% कोकोपीट रखनी है, और 25% इसमें कंपोस्ट मिलानी है, और 25% उसमें गार्डन सोइल मिला के इसमें इस प्लांट को आपने रिपोर्ट करना है। क्योंकि ये जो मिट्टी है ये वेल ड्रेन्ड होगी और इसमें हल्का हल्का सा जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। कोकोपीट डालने का जो इसमें फ़ायदा यही रहेगा कि इसकी जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहेगी। और इसका जो ड्रेनेज होल है फ्रेंड्स वो आपने बहुत अच्छा देना है। मीन्स जैसे आपने इसको पानी दिया वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं अगर उसमें पानी रहेगा तो ये जो प्लांट है इसको जो मरने का कारण जो होता है वो रूट शॉर्ट होती है। मीन्स अगर इसको आपने पानी ज़्यादा दे दिया और वो ढंग से नहीं निकला, वो रुका रहा, तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा मर जाता है। और जो आपकी इसका जो पोर्ट है आपने इसको पोर्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं देना, ज़्यादा बड़ा पोर्ट इस जो प्लांट को वो पसंद नहीं है। बट आपको जैसे ये जो प्लांट जब भी आपने इसका जो पोर्ट है वो चेंज करना है तो आप तभी करें अगर इसकी जो रूट्स हैं वो इसके जो ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं, जहाँ फिर ऊपर मिट्टी में आपको दिख रही हैं, तो आप इसको बड़े गमले में प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको आपने बड़े गमले में नहीं लगाना है। अगर मैं करूँ इस प्लांट के लिए वाटर की, तो वाटर इस प्लांट के लिए ज़्यादा इसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये जो पानी की रिक्वायरमेंट है ये प्लांट की लोकेशन पर डिपेंड करती है कि आपका जो प्लांट
है, उसकी लोकेशन क्या है। अगर वो आपने इंडोर रखा है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, अगर आपने आउटडोर रखा है इसको तो आप इसकी जो टॉप लेयर है वो चेक कर लें। अगर जो टॉप लेयर 2 इंच तक आपकी ड्राई है तभी आप इसको वाटर दें, अदरवाइज़ इसको आप पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी जो होता है वो इस प्लांट के मरने की वजह भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर देंगे वो ढंग से नहीं निकल पाया तो इसकी जो रूट रोट्स होने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए पानी के लिए आपने ध्यान रखना है। और सेकंड थिंग क्या है, पानी के लिए रेगुलरिटी मीन्स, अगर इस प्लांट को जो पानी की रिक्वायरमेंट हफ्ते बाद रहती है तो इसको जो पानी है वो हर हफ्ते आपको देना पड़ेगा। मीन्स अगर 8 दिन बाद या 10 दिन बाद इसको रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको रेगुलर 8 या 10 दिन बाद इसको पानी देना है। और अगर मैं करूँ इसकी लाइट की, तो फ्रेंड्स लाइट में आप अगर इसको इंडोर रखते हैं तो भी इसको प्रॉपर लाइट, सनलाइट और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर आपने इसको आउटडोर रखा है तो आपको इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करना है यहाँ पे इसको छन के धूप मिलती रहे। डायरेक्ट जो सनलाइट है इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, इससे इसके जो लीव्स है वो बर्न हो जाते हैं, तो लाइट में आपने ये ध्यान रखना है। और बात अगर मैं करूँ इसकी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आपने जैसे हर मंथ इस, जैसे मेरा गमला है, इतने गमले में आपने एक मुट्ठी जो फर्टिलाइज़र है, इसमें कंपोस्ट है, जो भी आपने देना है वो रेगुलर दें। अगर आप इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र है वो हर मंथ डालते हो तो उसको आपने रेगुलर हर मंथ डालना होता है, क्योंकि इस प्लांट को, जैसे मैंने आपको बताया है कि रेगुलरिटी इस प्लांट को बहुत पसंद है, आपने पानी देना है उसमें भी आपको रेगुलर इसको पानी देना है, अगर आपने इसमें फर्टिलाइज़र देनी है वो भी आपने इसको रेगुलर तरीके से देनी है, तो ये जो आपका प्लांट है ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और बात अगर मैं करूं इसकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कोई प्रॉब्लम इस प्लांट में आती नहीं है, बट जैसे आप इसमें कंपोस्ट डालते हैं तो उसके साथ आप नीम खली या फिर नीम ऑयल का हल्का हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें जिससे क्या होगा, इस प्लांट में इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और टाइम टू टाइम इसकी जैसे मेंटेनेंस के लिए इसके जो लीव्स हैं फ्रेंड्स, उसमें जैसे पानी में थोड़ा सा विनेगर मिला के और ऐसा कपड़ा लेके उसको, जो इसकी लीव्स हैं उसको अच्छे से साफ़ कर दें, तो आपकी जो लीव्स हैं वो शाइन करेंगी और उनके ऊपर अगर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। अगर इन सब बातों का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो पौधा है वो सालों साल बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और जैसे ये थोड़ा सा अभी बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको ऊपर से कट कर दूँगी, ताकि जैसे मैं इसको ऊपर से कट करूँगी वहाँ से नई ब्रांचेज हैं वो जो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो अब जैसे ये थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा होगी, तो मैं ऊपर से इसको कट करके इसमें जैसे नए इसके जो ब्रांचेस है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये जो प्लांट है आपका बहुत सुंदर बन जाएगा। और इसकी प्रॉपर केयर करेंगे, इसकी मेंटेनेंस रखेंगे, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस फ्रेंड्स इतना ही आज के लिए, अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और प्लांट के केयर टिप्स शेयर करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।